यानी छोटू। अली कितना प्यारा लग रहा है मेरा बाबू, किसी की नजर न लगे। टूटू अरे क्यूटू, हाय छोटू बेबी, क्यूटी बेबी। बाहर बादल हो रहे हैं, ठंडी है, आपने इसे स्वेटर क्यों नहीं पहनाया? बादल हो रहे होंगे लेकिन बाहर उमस भी है, विनायक को स्वेटर में तकलीफ होगी। पाखी दीदी मैंने कहा ना, उसे स्वेटर पहना दीजिए, उसके लिए अच्छा होगा, ठंड है बाहर। क्योंकि सिर्फ तुमने स्वेटर बनाया है, जरूरी तो नहीं ना कि विनायक इसे पहने। इसे मैंने जन्म दिया है तो मुझे अच्छे से पता है कि इसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। लाइए। अच्छा, आई स्वेटर पहनाएगी विनायक को। वीनू, वीनू आई का बनाया हुआ स्वेटर पहनेगा, फिर वीनू को जुकाम नहीं होगा। कैसा लग रहा है? हाँ, आई का बनाया हुआ स्वेटर कैसा लग रहा है? सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, अब कोई चीख चूक नहीं आएगी। अरे चिंता नहीं करता। लो मुझे दो, मैं बाहर धूप में ले जाती हूँ। विटामिन डी 3 हड्डियों के लिए अच्छा होता है ना, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो डॉक्टर हो। आपकी याददाश्त कमजोर है, बोला ना अभी बाहर बादल है, मौसम खराब है, और शायद आप ये भी भूल गई होंगी मैंने आपको गोद भराई पे क्या कहा था। मुझे इतना मत उकसाइए कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो आपने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम भी भूल गई कि विराट ने मुझे खुद इसे अपने हाथों में सौंपा था। मैं तब ना तुम्हारी खोखली धमकियों से डरी थी और ना ही अब डर रही। डर क्या होता है ना, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और आपने मुझे हल्के में लेकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी पाखी दीदी। अब जल्द से जल्द मैं आपको यह एहसास कराऊंगी कि मैं सच की खातिर किस हद तक जा सकती हूं। वहीनी, इस बार तो त्योहार उत्सव फेस्टिवल का मजा ही कुछ और होगा। हमारा विनायक जो है हमारे साथ। मस्त मस्त, इस खानदान का चिराग इस घर में नई खुशियां लेकर आया है। लो, आ गए छोटे उस्ताद। बाकी तुम ठीक हो ना? हाँ, अभी तो विनु को नीचे लेके आई हूँ। चलो विनु, अपने बहादुर आईपीएस बाबा को बाय बोलो। बाय बाबा। क्यों छोटे जवान, बाबा को बाय बाय बोलने आए हो? नहीं फिरा, वीनू आपको बाय नहीं बोलेगा, आज आपको कोई और बाय बोलेगा। क्या मतलब? विराट, तूने सहकर्मियों को घर क्यों बुलाया है? मैंने नहीं बुलाया काकू, आप लोग यहाँ। जय हिंद सर। जय हिंद सर, हम यहाँ पत्र लेकर चव्हाण को गिरफ्तार करने आए हैं। क्या? एक मिनट, आप सबको कोई गलतफहमी हुई होगी, आप सब पाखी को पत्रलेखा को गिरफ्तार क्यों करने आए? सर हमारे पास इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। विराट, क्या सच है पत्रलेखा के नाम पर वारंट है? हाँ काकू।
लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, आपसे जरूर कोई गलती हुई होगी। मैंने सब कुछ नहीं किया, और आपको मेरे खिलाफ की शिकायत लिखवाई किसने? मिसेस सई विराट चव्हाण ने। कैसे तुमने बाकी के खिलाफ शिकायत क्यों लिखवाई है? किस बिना पर? हमने तेरा बच्चा पत्रलेखा को पालने के लिए दिया, तो तूने बदला लेने के लिए पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी? नहीं भाई, नहीं, यह वजह नहीं हो सकती। इसके लिए थोड़ी ना एफआईआर दाखिल किया जाएगा। सही, ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? और तुमने ऐसा क्या लिखवाया मेरे खिलाफ? मैंने पाखी दीदी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। मुझ पर हमला करवाकर, धोखाधड़ी करकर और गैर कानूनी तरीके से मेरे और मेरे पति के अंश को अपने कोख में डलवाया है। क्या? सही, तुम क्या कह रही हो? कौन सा धोखा, कौन से हमले की बात कर रही हो? पाखी दीदी गीता के घर गई थी, हॉस्पिटल की कर्मचारी बनकर, और इन्होंने नकली कागज दिखाकर गीता और उसके पति को डराया था, इसीलिए एन मौके पर वो लोग पीछे हट गए। इनकी वजह से गीता ने हमारे बच्चे को अपनी कोख देने से मना कर दिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब गीता वहाँ हॉस्पिटल में आई थी तब हमने उससे पूछा भी था कि क्या वो जानती है बाकी कौन है, क्या उसके घर पे गई थी। गीता ने साफ मना कर दिया था। हाँ, मैं भी तो वही थी, और मुझे अच्छी तरह से याद है गीता ने पत्रलेखा को पहचाना तक नहीं था, क्योंकि तब इन्होंने गीता को भावुक कर दिया था। गीता के आगे हाथ पैर जोड़कर भीख मांगी थी कि ये बात वो किसी को नहीं बताए। इन्होंने गीता और उसके पति को गुमराह किया है। झूठ बोल रही है तू। हमने तेरा बच्चा पत्रलेखा को दिया, इसलिए तू इससे बदला ले रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, एक पुलिस वाले की पत्नी हूँ। बिना सबूत के मैं इन पर कोई केस ही नहीं करती। गीता ने खुद पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कबूल किया है कि वो औरत और कोई नहीं, पाखी दीदी थी। जी हाँ सर, मैडम ठीक कह रही है। गीता और उनके पति ने इनके खिलाफ बयान दिया है। पत्रलेखा भाभी ने इतना बड़ा झूठ बोला? इन्होंने सई भाभी पर एहसान नहीं बल्कि इनके खिलाफ एक साजिश की थी, इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया पत्रलेखा भाभी। देवा, मैं सोच भी नहीं सकती पत्रलेखा तुम इतना नीचे गिर सकती हो। ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? ये सब करने की क्या जरूरत थी पत्रलेखा? आखिर तुमने ये सब क्यों किया? एक मिनट, तो उस हमले वाली बात का क्या हुआ? आपको याद है जब गीता हॉस्पिटल में नहीं पहुंची थी? हा? तो मैं गीता को लेने उसके घर गई थी, और रास्ते में गुंडों ने मेरा फोन और मेरा बैग छीन लिया था, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर हमला किया, मुझे चोट भी आई। वो गुंडे भी पाखी दीदी ने भेजे थे। दावे के साथ तुम कैसे कह सकती हो?
कि उन गुंडों को पाखी नहीं भेजा था? क्योंकि सर हमने उन बदमाशों को पकड़ लिया है और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया है और इनके खिलाफ बयान भी दिया है। सही झूठ बोल रही है ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। झूठ सही नहीं बोल रही है, झूठ तुम बोल रही हो पाखी। तुम्हारे मुंह से निकली एक एक बात झूठ है। अरे अपना ड्रामा अब तो बंद करो। शिवानी विनायक को अंदर कमरे में लेके जाओ, सुला दो उसे। नहीं नहीं प्लीज। बाकी नहीं। सोच भी नहीं सकता था हमारे बच्चे को अपनी कोख में पालने के लिए तुम इतने गलत हथकंडे अपनाओगी, इतने गैर कानूनी हरकत करोगी। विराट सही की बात का यकीन मत करो, तुम मेरी बात तो किसकी बात का यकीन करूं? तुम्हारी। उसने जिसने गीता को गुमराह किया और सबसे बड़ी बात मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला करवाया। नहीं, नहीं, नहीं। अगर सही को कुछ हो जाता तो मुझे पहले से ही शक था। तुम्हें मेरी सही से तकलीफ है, लेकिन तुम उस पे हमला करवाओगी ये तुम अपने में भी नहीं सोचा था पत्रलेखा। पत्रलेखा क्या है सच है? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूं, क्या यह सच है? हाँ बड़ी मामी। लेकिन मेरा इरादा सही को नुकसान पहुंचाना नहीं था, मैं बस विराट के बच्चे की मां बनना चाहती थी। मैंने जो किया विराट के लिए किया बस। आखिर आ गई ना आपके मन की बात जबान पर। विराट सर के बच्चे को सिर्फ इसलिए ऐसा किया? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो किया वो विराट के लिए किया, वो तुम्हारे लिए किया, इस परिवार की खुशी के लिए किया। आखिर इस खानदान के चिराग को जन्म मैंने दिया है ना। आपने विनायक की जान को खतरे में डाला है। अगर आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती तो मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आता। तो आपको पता था कि विराट सर और मेरे लिए ये प्रक्रिया कितनी जरूरी है। हमारी आखिरी उम्मीद थी पाखी दीदी, फिर भी आपने ऐसा किया। लेकिन आपके लिए तो ये सब सिर्फ खेल था ना। अगर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हुई तो खेल में आप जीती, वरना मैं हारी। हमारे बच्चे की जिंदगी की आपकी नजर में कोई कीमत नहीं थी पाखी दीदी। मेरा भी बच्चा। वैनी, आपको पता था ये सब कुछ? पता था या फिर आपने जानबूझ के पत्रलेखा के गुनाहों पर पर्दा डाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। वो तो आखिरी मौके पर पत्रलेखा को मैंने हॉस्पिटल आने के लिए कहा क्योंकि गीता नहीं आई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसने ऐसा जाल बिछाया है। मेरा दिल भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये क्या है? अपने ही घर की एक बहू दूसरी बहू के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रही है, और वो भी घर के चिराग को खतरे में डालकर। जी
नहीं पत्र लिखा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आई, मेरे नहीं। इस परिवार के लिए तूने जो कुछ भी किया, मेरा मान बढ़ गया था तेरे लिए, पर अब तुम मेरी नजरों से गिर गई हो। सर, हमें इन्हें गिरफ्तार करना होगा। विराट, मैं मानती हूं कि इसने गुनाह किया है, लेकिन इसे सजा मैं दूंगी। यही जवान निवास में, तो इसे कह दे ये चले जाए। कुछ भी कहो, लेकिन पत्रलेखा है तो घर की बहू, पर घर की बहू जेल चली जाए ये ठीक नहीं है। घर की बात घर में ही रहने देते हैं, वरना हमारे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। नहीं काकू, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस घर के कानून से बड़ा है इस देश का कानून। आखी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इसके खिलाफ वारंट निकला है, अब तो ये जेल जाएगी। आप प्लीज अपना काम कीजिए। नहीं 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 विराट, प्लीज 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 मुझे गिरफ्तार मत करो। मेरा 15 दिन का बच्चा है विराट, उसे उसकी माँ की जरूरत है। जब उसे भूख लगेगी तो उसे मैं ही तो संभालूंगी। तुम ऐसे कैसे मुझे गिरफ्तार करवा सकते हो विराट? प्लीज ऐसा मत करो। विनायक को मैं पाल लूंगी बाकी दीदी, मेरे बच्चे की फिक्र आप मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी चिंता कीजिए, क्योंकि आज आपको गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता। देवा रे देवा, मतलब चौहान खानदान की दूसरी बहू भी जेल जाएगी? पहले सही, अब पत्र लिखा। और तो और, इस घर की सबसे आदर्श बहू ने सबसे बड़ा कांड किया। मतलब काकू जिसे मानती थी सबसे होनार, वो तो निकली एक गुनेगार। अब तो हमारी मोहल्ले में बहुत थूथू हो जाएगी। आई करिश्मा, चुप। विराट, अरे बहनी कह रही है ना कि पत्रलेखा को उसकी गलती की सजा मिलेगी, खामखा बहस क्यों कर रहे हो? खामखा? ओमिका का मेरे बच्चे की जान को खतरे में डालना, मुझ पर हमला करवाना, गीता और उसके पति को गुमराह करना, आपको ये सब खामखा लग रहे हैं? ओमिका का बड़े बच्चों की गलतियों की सजा देते, गुनाहों की सजा कानून देता है, और पाखी दीदी ने गुनाह किया है और अपने गुनाह की सजा मिलेगी उन्हें। आज उन्हें गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.